नए संसद भवन का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराए जाने का विरोध अब तेज हो गया है। विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन कराए जाने का विरोध कर रही हैं। तो वहीं विपक्ष पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोल दिया है। अमित शाह ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। अमित शाह ने कहा कि पूरी जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को भी इस मामले में लपेटा है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ ही राजनीति करके उसका बहिष्कार कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें। उन्होंने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। अमित शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन सोनिया और राहुल ने किया था। राज्यपाल आदिवासी थे, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? झारखंड, मणिपुर, असम में भी ऐसा ही किया गया और तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ था। कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप करते हो सब ठीक है, लेकिन मोदी करते हैं तो उसका बहिष्कार करते हो, ऐसा किस किताब में लिखा है? केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश की जनता ने दो बार मोदी को पीएम बनाया है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर नहीं, संसद में मोदी को बोलने नहीं देते हैं। कांग्रेस को कहना चाहता कि पूरी जनता का आशीर्वाद मोदी के लिए है। इस बार मोदी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को जनता देख रही है। पिछली बार विपक्ष की स्टेटस भी नहीं मिला था, इस बार उतनी भी सीटें नहीं आएंगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि नए संसद भवन का 21 दलों ने बहिष्कार किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस, टीएमसी, आप, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी समेत 21 दलों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन दलों ने संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने की मांग की है। हालांकि नए संसद पर विपक्ष की मुहिम कमजोर पड़ रही है। जितने दल प्रधानमंत्री के हाथों नए संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, उससे ज्यादा दल समर्थन में आ गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं या फिर राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी।